सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा आठवीं की पाठ्यपुस्तक इतिहास के चौथे पाठ 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, इसके पिछले पाठ में हमने देखा अंग्रेजी सत्ता के परिणाम। अब हम जानते हैं कि जो हम अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थी, वह हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आए हुए थे। लेकिन व्यापार करना तो सही था, परंतु अंग्रेज जब यहाँ पे आए, यहाँ की स्थिति को देखे, तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे हमें जम जाना चाहिए, मतलब हर प्रदेशों पे अपना अधिकार होना चाहिए। तो वह धीरे धीरे भारत के अनेक प्रदेशों पर अपना आधिपत्य बनाते गए। और जो जहाँ पे वो शासन कर रहे थे, वहाँ के लोगों पर अत्याचार भी करने लगे, तो जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में असंतोष की भावना पनपने लगी। कि हमने इसके पिछले वीडियो में भी देखा था, इसके पिछले पाठ में, कि किस तरह वह किसानों का शोषण करते थे। कि पहले जो किसान थे हमारे भारत देश की, वो खाद्यान्न की फसलें पैदा करती थी। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, तो उन्होंने बहुत सारे नियम बना दिए। किस तरह की कि जो किसान वर्ग है, वह खाद्यान्न की फसलों के अलावा नीम, कपास और चाय जैसे व्यापारिक, मतलब ये फसल पैदा करेंगे। और इसका इस तरह से किसानों का जो उत्पादन होता था, उसका व्यापारीकरण होने लगा। और जो ब्रिटिश थे, वह हमारे देश का जो कच्चा माल था, उसको अपने देश में भेजते थे। उनका यही उद्देश्य था कि भारत से अधिक लाभ कमाना और यहाँ की जो धन संपत्ति है अपने देश में भेजना। तो धीरे धीरे यहाँ की जनता जागृत होने लगी। उनके मन में भी ऐसा यह उनके मन में विचार आने लगा कि हमारे ही देश में अंग्रेज आकर शासन कर रहे हैं हम पे। और इस तरह से उनको भी स्वतंत्र होने की जो भावना है उनके मन में पनपने लगी। और यह स्वतंत्रता हमें तो स्वतंत्रता 1947 ईस्वी में मिला, लेकिन जो इसकी शुरुआत थी वह 1857 के युद्ध से ही हो गई थी। तो 1857 में जो बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिससे अंग्रेजी सत्ता को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। और यह युद्ध अचानक ही नहीं हुआ, इसके भी बहुत सारे कारण हुए थे। और जो 1857 का युद्ध हुआ था, इसके पहले भी हमारे भारतीय सैनिकों ने, जो क्रांतिकारी थे, बहुत सारे युद्ध किए थे। उसमें से जो वीर स्वतंत्र सावरकर थे, स्वतंत्र वीर सावरकर ने थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1857 की पृष्ठभूमि और उसी की व्यापकता को ध्यान में रखकर। तो इस पुस्तक से लोगों को प्रेरणा मिली स्वतंत्रता की। और इसी तरह से धीरे धीरे पूरे भारत में स्वतंत्रता की लौ जाग उठी और 1857 का युद्ध हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1857 के पूर्व हमारे भारत देश में कौन कौन से युद्ध हुए थे, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों कि देखिए, सबसे पहले 1857 ईस्वी के पूर्वकालीन युद्ध, तो सबसे पहले बंगाल में हुआ था। तो बंगाल में 1763 ईस्वी से 1856 के कालखंड में किसानों ने विद्रोह किया। हमने देखा कि किसानों से किस तरह से अंग्रेज सरकार जो थी, लगान वसूलती थी। तो इसके ही विरोध में जो वहाँ के फकीर थे, जो वहाँ के फकीर और सन्यासी, इनके नेतृत्व में किसानों ने बंगाल में क्या किया, युद्ध किया, मतलब विद्रोह किया। दूसरा है इसी तरह से महाराष्ट्र में भी उमाजी नाईक ने युवकों को संगठित करके संघर्ष किया। देखो, उमाजी नाईक जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने यह घोषणा पत्र जारी कर दिया कि हमें अंग्रेजों की सत्ता को नहीं मानना है, जो हमारे ऊपर लागू किए हैं उनको हमें मानना नहीं। ऐसे सब जगह घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया, जिसकी वजह से वहाँ के महाराष्ट्र के जो नवयुवक थे, उनके मन में भी ऐसी भावना जागृत हुई और उन्होंने विद्रोह किया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब देखो, उड़ीसा, ये तीसरा जो युद्ध हुआ था 1857 के पहले, वो कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन किया था? गौड़ जनजातियों ने विद्रोह किया था। गौड़ जनजातियों ने क्यों विद्रोह किया था उड़ीसा में? क्योंकि जब अंग्रेज हमारे भारत देश में आए, तो उड़ीसा पर अपने आधिपत्य स्थापित कर लिए। तो इसके पहले मध्य काल में उन्होंने वहाँ पे जो राजाओं थे, पाइप प्रणाली वहाँ पे अस्तित्व में थी। पाइप प्रणाली का मतलब होता है कि ऐसे सैनिक होते थे जो राजा के साथ खड़े होते थे। तो राजा इनके बदले में उन सैनिकों को कुछ भूमि देती थी, जिसपे वह सैनिक उस पर फसल उगाते थे और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों का आधिपत्य उड़ीसा पे हो गया,
तब उन्होंने वहाँ की जो यह प्रणाली थी सैनिकों, जो वहाँ की जमीन थी उसको भी अपने अधिकार में कर लिया, जिससे वहाँ के सैनिकों में असंतोष की भावना पनपने लगी और उन्होंने भी यह विद्रोह किया। फिर अगला है बिहार। बिहार में संथालों ने भी संघर्ष किया। फिर इसी तरह से छोटा नागपुर में भी यह विद्रोह फैलने लगा। वहाँ के कोलाम जनजाति ने विद्रोह किया, क्योंकि वहाँ की जो जनजातियाँ थी उनका जो पालन होता था, जो जीवन यापन होता था, वह वन संपत्ति से होता था। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने वन को भी अपने अधिकार में कर लिया, जैसे जिसके कारण से जनजातियों में भी असंतोष की भावना पनपने लगी और उन्होंने भी विद्रोह किया। ठीक इसी तरह से उसके बाद वेल्लोर में 1806 ईस्वी में कंपनी सरकार की सेवा में कार्यरत सैनिकों ने विद्रोह किया। देखो जो हमारी अंग्रेज सेना थी, जो ब्रिटिश हमारे भारत में करने आए, मतलब कि आस्था, मतलब हर प्रदेश को अपना आधिपत्य जमाने आए हुए थे, वहाँ पे व्यापार करने आए थे हमारे देश में, तो जो उनके साथ जो सैनिक थी उसमें अधिक से अधिक सैनिक भारतीय थे और वह अपने सैनिक, अंग्रेजों के सैनिक और भारतीयों के सैनिक में भेदभाव करते थे, उन्हें एकदम तुच्छ समझते थे, उनकी पद उन्नति नहीं करते थे और ना ही उनका वेतन बढ़ाते थे, जिसकी वजह से वहाँ के सैनिकों में असंतोष की भावना पनपी और उन्होंने भी विद्रोह किया। और ठीक इसी तरह से बराकपुर में 1824 ईस्वी में बराकपुर की छावनी में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया इसके विरुद्ध। अब देखो बच्चों, ये तो था 1857 की, मतलब पहले का जो विद्रोह था। अब हम देखेंगे देखो बच्चों इसके बाद है 1857 ईस्वी के युद्ध के कारण। जब हमारे देश में अंग्रेजी सत्ता आ गई है, तब उसके बाद उन्होंने हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन किया। इसके पहले हमारे भारत में अनेक शासकों ने शासन किया, लेकिन उनके शासनकाल में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। गांव में कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उसके बाद कुछ अधिक परिवर्तन करने लगे, वो हमारे देश के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगे, तो वहाँ के लोगों को लगने लगा कि ये तो हमारे रूढ़ी परंपराओं को समाप्त कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो जो रूढ़ीवादी व्यक्ति थे उन्होंने यह विद्रोह किया। तो 1857 ईस्वी के युद्ध के प्रमुख बहुत सारे कारण हैं। पहला है आर्थिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा है राजनीतिक कारण, चौथा है भारतीय सैनिकों में असंतोष और फिर है तात्कालिक कारण। इस तरह से यह कारण है 1857 के युद्ध के। तो सबसे पहले है आर्थिक कारण। तो देखो बच्चों, अंग्रेजों सत्ता के आने के पूर्व जो हमारे किसान थे वह खाद्यान्न की फसलों का उत्पादन करते थे, लेकिन जब अंग्रेजी सत्ता आ गई तो उन्होंने किसानों से नीट, कपास और चाय जैसे खेतों को, मतलब फसलों को उगाने पर जोर देने लगे। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज जो किसान थे वह इन फसलों को नहीं पैदा करते थे और धीरे धीरे वह बेरोजगार होते गए। और इस तरह से जो उनको लगान देना, जो लगान की व्यवस्था थी अंग्रेजों के आने के बाद, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। इसके पहले जो हमारे किसान थे वह लगान किस रूप में इकट्ठा कर देते थे राज्य को, अनाज के रूप में। लेकिन जब ये हमारे देश में अंग्रेज आ गए तो उन्होंने राजस्व में भी बहुत सारे परिवर्तन किए। लगान व्यवस्था में उन्होंने भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार लगान व्यवस्था लागू किया, चाहे हमारी फसल हो अच्छी चाहे ना हो, लेकिन हमें कर, मतलब लगान देना ही है। यही अंग्रेजों के मतलब राज्य के मतलब जो आय था इसी से वो कमाते थे। तो इस तरह से उन्होंने किसानों में भी किसान के बहुत सारे लोगों में असंतोष की भावना पनपने लगी और उन्होंने भी यह विद्रोह किया। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अंग्रेजों की नई राजस्व प्रणाली के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। यह राजस्व प्रणाली क्या था कि वो भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार ही लगान देंगे, राजस्व यानी लगान, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उनको लगान किस रूप में देंगे, क्षेत्रफल के अनुसार, चाहे वह अनाज पैदा करे चाहे न। और उनको एक निश्चित समय भी दे दिया गया था कि इसी समय में आपको लगान भरना है, अगर नहीं भरेंगे तो उसके बदले में भी एक्स्ट्रा आपको कर लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा आपको लगान देना पड़ेगा। तो इस तरह से वो नहीं भर पाते थे, जिसके कारण इनकी जो जमीन थी वो अंग्रेज हड़प लेती थी। फिर अगला है गाँव की जीवन प्रणाली का स्वरूप बदल गया। जो गाँव की स्थिति थी उसमें भी परिवर्तन होने लगा और उद्योग धंधों पर कठोर कर लगाए जाने के कारण श्रमिक और कारीगर बेरोजगार हो गए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है हमारे देश में किस उद्देश्य से आई थी, यहाँ से
भारत से अधिक लाभ कमाकर अपने देश में भेजना। तो ये हमारे देश से कच्चा माल लेते थे और अपने देश में भेजते थे। तो जब हमारे देश से जो माल जाता था उस पर वो अधिक कर लगाते थे, लेकिन वही कच्चा माल को जब वो बना के कोई, जैसे कि अगर हम यहाँ से कपास भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, तो वहाँ से जो शर्ट कपड़ा जो बन के आता था तो वो उस पर वो कर छूट किए थे और उस पर वो अधिक दाम वहाँ से यहाँ के लोगों से, भारत के लोगों से वसूलते थे, जिसके कारण जो वहाँ के जो यहाँ के उद्योग धंधे थे, क्योंकि जो अंग्रेज बनाते थे औद्योगिकीकरण के कारण उनका जो भी सामान था वो अच्छा क्वालिटी का था, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो हाथ से बनाते थे। तो धीरे धीरे इनकी हस्तकला और जो उद्योग धंधे करते थे वह समाप्त होने लगा, खत्म होने लगा और बेरोजगारी लोगों में फैलने लगी, जिसका ये भी कारण है कि आर्थिक कारण के अंतर्गत कि 1857 के युद्ध के कारण में यह भी कारण शामिल किया गया। अब दूसरा है सामाजिक कारण। तो देखो बच्चों, सामाजिक कारण क्या है? भारतीय समाज यह महसूस करने लगा कि अंग्रेज उनकी परंपराओं, रूढ़ियों और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जैसे सती प्रथा पर रोक और विधवा की मान्यता, विधवा पुनर्विवाह की मान्यता के कानून सरकार द्वारा बनाए गए। हमने पिछले पाठ में देखा अंग्रेजी सत्ता के परिणाम में कि किस तरह से जो अंग्रेज थे, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के, मतलब जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह यह पारित कर दिया था और लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा कानून बनाया था और जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उन्होंने सहायक सेना संधि, इस तरह की कुछ सहायक सेना की पद्धति उन्होंने लागू किया था, जिसके कारण जो यहाँ के समाज के जो रूढ़ी परंपरा वाले जो व्यक्ति थे उनको यह मान्य नहीं था कि अंग्रेज किस तरह से हमारे सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और इस तरह ये देखो, विधवा पुनर्विवाह सती प्रथा यह एक उचित मान्यता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विद्रोह किया और उनके मन में भी असंतोष की भावना पर भी, और ये भी कारण बना सामाजिक कारण के रूप में 1857 के युद्ध में, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अब अगला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या है कि 1848 के पहले अंग्रेजों ने अनेक राज्य जीत लिए थे। जो 1848 के पहले अंग्रेजों ने हमारे भारत देश के अनेक प्रांत को, अनेक राज्य को अपने अधिकार में कर लिया था। और दूसरा है 1848 से 1856 के बीच डलहौजी ने अनेक रियासतों का अपनी सत्ता में विलय कर लिया। हमने देखा कि जो पिछला पाठ था अंग्रेजी सत्ता के परिणाम में, हमने देखा लॉर्ड डलहौजी ने किस तरह से दत्तक जो अधिकार था उसको अमान्य कर दिया, कि किसी ना किसी कारणवश वह बोल के कि यह मान्य नहीं है और उस अधिकार को, मतलब उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लेते थे। जैसे कि अभी हम जानते हैं झांसी की रानी का, कि दत्तक पुत्र उन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने यह अस्वीकार करके वहाँ का भी प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया, जैसे सतारा, नागपुर, झांसी, ऐसे प्रदेशों को उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया, जिससे कि यहाँ के लोगों के अंदर भी असंतोष की भावना पनपी और 1857 का यह भी विद्रोह का कारण बना, राजनीतिक कारण। इसी तरह से अगला है भारतीय सैनिकों में असंतोष। देखो, हमारी ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पे आई व्यापार करने के उद्देश्य से, तो उनके सैनिकों में अधिक से, मतलब अगर माना जाए 5 सैनिक भारत के हैं तो 1 सैनिक इंग्लैंड के हैं, तो ब्रिटिश के हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों की भर्ती भारतीयों की ही होती थी। लेकिन इसका परिणाम क्या था कि जो हमारे जो सरकार थी, ब्रिटिश कंपनी की जो सरकार थी, वह सैनिकों को कि वेतन नहीं बढ़ाती थी, उनके साथ तुक्षतापूर्ण व्यवहार करती थी और अपने सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, उनकी पदोन्नति नहीं करती थी और उन्हें पदोन्नति नहीं होती थी, मतलब उनके ऊंचे ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे, जिसके कारण उनकी वेतन भी नहीं बढ़ाई जाती थी, एक ही वेतन पे वो काम करते थे और धीरे धीरे उनके अंदर भी असंतोष की भावना पनपने लगी, जिसका भी ये भी महत्वपूर्ण कारण बना। और जो सैनिक थे उनको वो धीरे धीरे अपने देश में लेके जाने लगे, और यह सैनिक किस तरह से जाते थे, समुद्र पार करके जाते थे, तो ऐसे इनमें यह परंपरा थी कि जो समुद्र पार करेगा उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर तो धीरे धीरे इनके मन में भी असंतोष फैलने लगा और यह भी विद्रोह करने के लिए मैदान में उतर गए। तो देखो, पहला, अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ तुक्षता का व्यवहार करती थी, कैसे, मतलब एकदम तुक्ष श्रेणी में वो रखते थे, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते थे और उन्हें ऊंचे, मतलब उन्हें सूबेदार के ऊपर के पद नहीं दिए जाते थे, मतलब उनकी पद उन्नति नहीं की जाती थी और ना ही उनका वेतन बढ़ाया जाता था, ना
यानी उन्हें भत्ता भी दिया जाता था, जिसके कारण इनके मन में भी असंतोष की भावना पनपी और यह भी विद्रोह करने के लिए उतर गए। अब देखो अगला है तीसरा तात्कालीन कारण, मतलब अभी का जो कारण है, किसका तात्कालीन कारण, 1857 के विद्रोह का कारण। तो सबसे पहले इसे देखिए, 1856 में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूकें दी गई, मतलब उनके सैनिकों को, हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश जो कंपनी थी उसमें से ज़्यादा सैनिक कहाँ के थे, भारतीय सैनिक थे, तो उन्हें दूर तक मारने वाली क्या दी गई, बंदूक। अब बंदूक जो बंदूक में जो कारतूस लगता था, जो गोली लगता था, उसके जो आवरण थे वो किससे बनते थे, गाय और सुअर की चर्बी से, और उसे मुंह से खोला जाता था, जिसके कारण हिंदुओं और मुस्लिमों के जो धर्म थे भ्रष्ट होते थे। तो यह बात चारों तरफ छावनी में फैल गई और उन लोगों के मन में भी असंतोष फैलने लगा, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। यहाँ पे देखिए दूसरा, छावनी में यह समाचार फैल गया कि इन बंदूकों के कारतूसों की आवरण पर क्या लगा रहता है, गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है, और जो आवरण है वो किससे खोला जाता था, मुंह से खोला जाता है, जिसके कारण उनके धर्म भ्रष्ट होते थे। इसलिए बहुत सारे सैनिक जो थे यह बंदूक चलाने से मना कर दिए, जिसमें से सबसे पहले मंगल पांडे का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा के अनुसार बच्चों आपको यह गृह कार्य दिया जाता है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण के बारे में आपको याद करना है और इतिहास की नोटबुक में लिखना है। प्रमुख कारण के रूप में क्या लिखना है, सबसे पहले आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और तात्कालिक कारण, इसके बारे में आपको लिख करके शुक्रवार और शनिवार को ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।